इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के वोल्टेज की आवश्यकता होती है? निम्न वोल्टेज। कैसेट की रिकॉर्डिंग अथवा रिले की गति होती है 4.75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सामान्यतः एक आरएफ ऑसिलेटर होता है, आरसी ऑसिलेटर। पोटेंशियल मीटर ध्वनि की पिच को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टोन कंट्रोल। लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्यों किया जाता है? लो क्षति कम करने के लिए। ट्रांजिस्टर की वॉइस वोल्टेज किस पर निर्भर करती है? पेंटोड पर। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रवर्धन की बैंड विड्थ घटाकर क्या कम किया जाता है? ताप या शोर। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कहलाता है उत्सर्जक। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कम हो तो यह देगा कम रीडिंग। धनात्मक फीडबैक किसमें प्रयोग होता है? ऑसिलेटर में। एक टीवी सिस्टम में होता है पिक्चर एएम तथा ध्वनि एफएम। टेलीफोन में डायन टोन की फ्रीक्वेंसी होती है 33 किलो हर्ज। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम फ्रीक्वेंसी होती है 81.2%। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए तथा रेडियो में प्रयुक्त बोर्ड प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है। जिस पर लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सीआरटी किसके द्वारा कोडित होती है? स्क्रीन फॉस्फर द्वारा। जीना डायोड का कार्य होता है स्थिर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करना। जीना डायोड का कनेक्शन सर्किट होता है सदैव रिवर्स बायस में। सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव। सामान्यतः तो उपयोग डायोड के स्थान पर एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट के बीच। एएफ जनरेटर की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 100 हर्ज। ट्रांसफार्मर एक युक्ति होती है स्थितिक। पीसी में भी जिस तरफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं उसे कहते हैं कंपोनेंट साइड। एनपीएन ट्रांजिस्टरों को पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है स्विचिंग स्पीड के कारण। ट्रांजिस्टर में बेस एमिटर जंक्शन पर होता है कम रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर में बेस करंट एमिटर करंट से होता है 5% कम। दो फेज सप्लाई में बाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन होता है 90 डिग्री। एमसी यंत्रों की तुलना में एमआई यंत्रों की खपत होती है अधिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। नट और बोल्ट जोड़ने के लिए किस तरह के वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? प्रक्षेप वेल्डिंग। घरेलू रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर कहाँ लगा रहता है? कंप्रेसर के पीछे। कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का विभव होता है ऋणात्मक विभव। कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन का विभव ऋणात्मक विभव होता है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है बढ़ता है। एक बेवल कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल के। लेंज का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। वायु तथा निर्वात का परावैद्युत नियतांक होता है 1। पॉलिस्टर संधारित की कार्यकारी वोल्टेज होती है 400 वोल्ट DC। आरसी परिपथ के समय नियतांक की गणना करने का सूत्र होता है T=C×R। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 9×10⁸ SU के बराबर। वोल्टमीटर की सुग्रहिता किससे मापी जाती है? ओम प्रति वोल्ट। सामान्य प्रकार का वोल्टमापी
एसी का कौन सा माप मापता है? आरेभन्समान। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में किस स्रोत की आवश्यकता होती है? डीसी स्रोत की। शंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? धारावाही, धारामापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए। विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई होती है? डीसी सप्लाई। वोल्ट मीटर में धात्विक धातु किससे संजित होती है? रिनोड इलेक्ट्रोड से। लेड एसिड सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 2.2 वोल्ट। लेड एसिड का सेंडिमेंशन दोष किसमें पाया जाता है? क्षारीय सेल में। धात्विक वस्तु की तरह से चिकनाई हटाने के लिए उसे कैसे विलयन में डाला जाता है? क्षारीय विलयन में। बैटरी आवेशन कार्य करने के लिए किस तरह का जनित्र उपयोग होता है? शंट जनित्र। बड़े जनित्र में उपयोग किए जाने वाले ब्रश होते हैं तांबे के। जनित्र में अवशिष्ट चुंबक समाप्त होने पर क्या कारण है? ओवर हीटिंग व हैमरिंग। शंट कुंडलन का प्रतिरोध आर्मेचर कुंडल के प्रतिरोध से होता है अधिक। डीसी सीरीज मोटर के प्रचालन के लिए किस तरह के स्टार्टर का प्रयोग होता है? 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 बिंदु स्टार्टर।